कि एक बात, एक बात बताओ कि अगर इस दुनिया में जेल ना हो, इस दुनिया में, इस अमेरिका के अंदर अगर जेल ना हो, जेल जानते हैं ना, yes. अगर कोई भी जेल ना हो, सारी जेल खत्म कर दी जाए तो जिंदगी कैसी रहे? तो उन्होंने बोला ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर जेल नहीं रहेगी तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि जो जेल के अंदर खतरनाक खतरनाक कैदी है वो सारे के सारे तो बाहर आ जाएंगे, तो दूसरों को परेशान करेंगे, मारकाट मचा देंगे, लूटपाट हो जाएगी, पूरा पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। जेल के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो प्रोफेसर ने बोला सोच तो लो, सोचने में क्या जाता है, एक बार सोच के देखो कि अगर इस अमेरिका में एक भी जेल ना हो तो लाइफ कैसी हो। जब दोबारा बोला तो लोगों ने सोचना शुरू किया और तब उनके जवाब आने शुरू हुए। उनके जवाब कुछ इस तरह थे कि जो भी इंसान क्राइम करता है, जो भी इंसान अपराध करता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है पैसा। तो अगर सरकार कुछ ऐसा करे, अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि सबको भरपूर पैसा कमाने का अवसर मिले, तो शायद बहुत सारे लोग क्राइम नहीं करेंगे, तो जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे ने जवाब दिया, कि अपराध का सबसे बड़ा कारण होता है शिक्षा का अभाव। अगर सबको सही तरीके से शिक्षित किया गया और शिक्षा दी गई, अच्छे संस्कार दिए गए, तो वो गलत काम नहीं करेंगे, तो शायद जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे ने जवाब दिया कि जो भी इंसान गलत काम करता है, उस गलत काम के पीछे कहीं ना कहीं होते हैं उनके आपस के रिलेशन और इस तरह चीजें। तो अगर सबके रिलेशन में ध्यान रखा गया कि कोई भी किसी का रिलेशन कुछ भी ऐसे हो रहा है, तो उस चीज पे अगर फोकस करके रखा, तो फिर जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सारे के सारे लोगों ने कुछ ना कुछ तर्क दिया कि ये अगर कर लिया तो शायद जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ब्रेन उन्हीं का था, दिमाग उन्हीं का था। सबसे पहले जब उनको बोला गया तो उन्होंने उस बात को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना जेल के तो संभव ही नहीं है दुनिया। लेकिन उसके बाद जब दोबारा उनको बोला कि सोचने में क्या जाता है, एक बार सोच के तो देखो सोचने में क्या जाता है, तो उनके उसी ब्रेन ने उनको रास्ते दिखाने शुरू कर दिए कि अगर इस रास्ते को फॉलो किया जाए तो जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी तो आपको यही बोल रहा हूं, जब मैंने बोला कि इमेजिन करो अपनी खुद की कार में बैठे हो, तो बहुत सारे लोगों के ब्रेन ने रिजेक्ट कर दिया, भाई अभी तो कार का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज बोल रहा हूँ, सोचने में क्या जाता है। सही है, सही बात, सोचने में क्या जाता है, एक बार सोच के तो देखो। अच्छा एक बात बताऊ, अगर सोच लिया, अगर अभी कार के बारे में सोच लिया, तो क्या बैंक वाले ईएमआई मांगने आ जाएंगे? सुना तुमने मन में, कार के बारे में सोचा है, पैसे दो। अच्छा होगा क्या? No. सोचने में जाता क्या है? कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान ऐसा है कि मैं सोच लिया, अगर मैंने सोच लिया तो शेर को भी पकड़ूंगा, लेकिन जान भी जाएगी तो सोचूंगा नहीं। बात समझ में आई? अगर सोच लिया तो मैं शेर को भी पकड़ सकता हूं, लेकिन किसी भी कीमत पे सोचूंगा नहीं। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, सोचने पे कुछ जाता है क्या? No. सोचने पे टैक्स लगता है क्या? No. तो सोचो, कल्पना तो करके देखो। ऊपर वाले ने सिस्टम हमारा ऐसा बनाया है, कि जो हम कल्पना कर सकते हैं, जिस चीज के बारे में हम सोच सकते हैं, वो हम पा सकते हैं। Yes. हमारी प्रॉब्लम हम सोचते ही नहीं। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया, मैंने आपको पहले ही बताया डीटीसी रैंक था मेरा, उस डीटीसी रैंक, उससे पहले कभी नहीं आया, लेकिन उस डीटीसी रैंक पे अचानक एक बार मेरे मन में आया कि मैं सीलिंग अचीवर बनूंगा इसी हफ्ते में, विचार आ गया और एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई, यहां पे भी बहुत सारे डीटीसी बैठे होंगे। Yes or no? Yes. DTC रैंक में नॉर्मली ज्यादातर लोगों के मन में सीलिंग का विचार भी नहीं
नहीं आता। ये सुन लो, मेरे मन में विचार आया और मैंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बीटीसी रैंक में सीलिंग मार के डायरेक्ट एसटीसी बन गया। मैं जेटीसी तो बना ही नहीं, नहीं हुआ। पर मैं सच बता रहा हूं, यकीन करिए, सिर्फ और सिर्फ अंदर विचार आने से पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने लग जाता है। इसीलिए हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं। पुराने जमाने में लोग बोला करते थे ना, शुभ शुभ बोलो, yes. है ना, yes. गलत मत बोलो, बुरा मत बोलो, बोलोगे तो हो जाएगा। yes or no? yes. आप सोच के देखो, बोलोगे तो हो जाएगा, सोचोगे तो हो जाएगा। तो बोलने और सोचने में जाता क्या है? हम बोलते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं, इसलिए कभी होता नहीं। सच्चाई है ये, सही बात। हमने तो आज तक जितने लोगों को बोलते हुए डिक्लेयर करते हुए देखा है, जितने लोगों को बात करते हुए देखा है, उतने लोगों को अचीव करते हुए देखा है। देर हो सकती है, लेकिन कभी ना कभी होगा। इसलिए ऑलवेज